सामुदायिक हिंसा में अभी तक 50 लोगों के जो मरे हैं उन्हें आज कैंडल जला करके श्रद्धांजलि दी गई और जो 200 से ज्यादा लोग घायल हैं उन्हें जल्द स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना और काम कि देश की राजधानी दिल्ली केंद्र और राज्य सरकार के नाक के नीचे 4 दिनों तक खुलेआम कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा पूरे दिल्ली में खास करके उत्तर और पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा कर 40 लोगों को मौत के नींद सुला दिया गया और सैकड़ों लोग अभी जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी महामहिम राष्ट्रपति से ये मांग करना चाहती है कि इस सांप्रदायिक हिंसा के दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और केंद्र सरकार के गृह मंत्री जिनके जिम्मे दिल्ली पुलिस आती है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पाए इसलिए उन्हें यथाशीघ्र पद से हटाया जाए और इसमें दिल्ली सरकार भी जो चुपचाप बैठी रही उसका भी कांग्रेस पार्टी खुले शब्दों में निंदा करती है और आज पूरे देश की आम आवाम ये चाहती है और ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि दिल्ली में गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहे।